जाति विहीन समाज की बात होना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लेकिन जातियां बढ़ती जा रही, उपजाति बढ़ती जा रही, वो गलत बात है और ये बहुत घातक होता जा रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। नहीं, सरकार ने 10 साल में जितना बर्बादी करी, जो थिंकिंग माइंड था, जिनको इनकम वाला लोग थे, तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसको खत्म कैसे किया है, आरक्षण खत्म करके, शिक्षा को महंगी खत्म करके, ताकि न ये नौकरी मिले, न इनकम हो, न शिक्षा हो, सोचे ही न। तो एक 10 साल मोदी सरकार यही करती है, जो पावर है सब पावर उन्हीं के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ, होम मिनिस्टर के पास, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, राजनाथ और अमित शाह, इन लोगों के पास है। बहुजन मंत्री हैं, केवल उनके पास में नाम का तगमा है और दिखाने के लिए भागीदारी है, लेकिन न वो फैसला ले सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इससे बहुजन सशक्ति नहीं है, बल्कि बहुजन को धोखा दिया जा रहा है, आंख में धूल झोंका जा रहा है, बल्कि यह और ज्यादा खतरनाक बात है। मोहब्बत की दुकान अपनों में भी खोलना पड़ेगा, न कि राहुल गांधी जी जो हिंदुआ मुसलमान वहीं तक सीमित हो। फिर बहुजन यात्रा निकाल करके जिसमें जाति जनगणना की बात है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की है और आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी तथा बंद होना चाहिए और लाखों लाख नौकरियाँ जो भरी खाली पड़ी हुई हैं उनको भरा जाना चाहिए। यही आज यहाँ पर निष्कर्ष। तो सर, अब लोकसभा के बाद विधानसभा का दौर आ रहा है, लोकसभा का सफर कैसा रहा आपका? और जो मैं आज उस पर नहीं बोलना चाहता। तो सर, 26 जून को क्या होगा? 26 जून को क्या? 26 जून को डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी की जो मूर्ति हटाई गई है जी, उसको वहीं पर लगाई जाए, नहीं प्रचंड प्रदर्शन जंतर मंतर पर 26 जून को होगा। और उसके ऊपर भी निर्णय हुआ, सरकार का इरादा है कि डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के महत्व को खत्म करना, हम उस इरादे में कामयाब नहीं हैं। तो कौन कौन शामिल थे, किस किस प्रदेश से शामिल हुए? देखिए, अभी राजन कुमार सैनी जी हैं, पूरे देश के चिंतक हैं, बीजेपी सब आई रहे हैं। बात की जा रही कि बहुजन समाज की भागीदारी मोदी कैबिनेट में ज्यादा दी गई है, क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखिए, आज की जो यहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, वो बैठक किसी अन्य मुद्दे पर की गई है कि बहुजन आंदोलन की शुरुआत सामाजिक जागृति से हुई थी, सहमत हैं इस बात को आप लोग? जी। फिर राजनीतिक पड़ाव पर पहुंचा हो, वहाँ भी कुछ सफलता मिली, सहमत हैं आपको? फिर वो बिखरने लगा है, बिकने लगा है, आज उसे खड़ा करने की ज़रूरत है, संभालने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, उस पर यहाँ पर चिंतन हुई। निष्कर्ष निकला कि बहुजन यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा, जो ठेकेदारी प्रथा है नौकरियों में उसको समाप्त किया जाएगा, और इसके अलावा भी जाति जनगणना है उसको लिया जाएगा, और लाखों लाख पद जो केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उसको भरा जाएगा, और बहुजन यात्रा के दौरान ही हमारा हो। फिर 26 जून को जो मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, गांधी जी की संसद से एक जगह से हटा के या मुख्य जगह से हटा के दूसरी जगह पर रखी गई है, उसका हम विरोध करेंगे, उसी जगह पर लगाने के लिए करेंगे। अब उसी में आपका सवाल होता है कि बहुजन भागीदारी इस सरकार में है, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो पावर है सब पावर उन्हीं के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ, होम मिनिस्टर के पास, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, राजनाथ और अमित शाह, इन लोगों के पास है। बहुजन मंत्री हैं, केवल उनके पास में नाम का तगमा है और दिखाने के लिए भागीदारी है, लेकिन न वो फैसला ले सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा चलाया जाएगा, पीएमओ पूरे मंत्रालय को चलाता है, पीएमओ में जो अधिकारी हैं वो चलाएंगे, ये मंत्रियों को केवल ऑफिस और गाड़ी दे दिया जाएगा। इससे बहुजन सशक्ति नहीं है, बल्कि बहुजन को
धोखा दिया जा रहा है, आंख में धूल झोंका जा रहा है, बल्कि यह और ज्यादा खतरनाक बात है। आप बहुजनों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि करेंगे कैसे, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और एकजुटता के लिए क्या कुछ आपने तैयारियां की है, कैसे एकजुट करेंगे? लगातार जो है ये आपस में विरोध जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ए दलित ओबीसी माइनॉरिटी परिषद ये सामाजिक है, यहाँ से आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता है। एक सभी दलों के सभी सामाजिक संगठन हैं, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं, इसलिए ये सवाल इस संगठन से बनता नहीं और ये संगठनों का संगठन है। जाति अगर न भी खत्म हो तो जाति मिलके तो लड़े सारे शोषक। हम तो कहते हैं जाति विहीन समाज की बात होना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लेकिन जातियां बढ़ती जा रही, उपजाति बढ़ती जा रही, वो गलत बात है और ये बहुत घातक होता जा रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। सर, दलित समाज में बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी हो रही है, अभी तो सरकार सही ढंग से जमी भी नहीं, उससे पहले एट्रोसिटी हो रही है। नहीं, सरकार ने 10 साल में जितना बर्बादी करी, जो थिंकिंग माइंड था, जिनको इनकम वाला लोग थे, तबका था, जो मिडिल क्लास था, उसको ख़त्म कैसे किया है? आरक्षण ख़त्म करके, शिक्षा को महंगी ख़त्म करके, ताकि न ये नौकरी मिले, न इनकम हो, न शिक्षा हो, सोचे ही न। तो एक 10 साल तक मोदी सरकार यही करती रही। सर, अभी जो चुनाव हुआ है, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि दलित वर्सेस ब्राह्मण? नहीं, ये सवाल अभी इसका नहीं है, मैं आज इस सवाल पर। जातीय जनगणना लोग को लेकर जो है लगातार कांग्रेस दावे कर रही है और आप लोग भी मांग करते हैं, अब कांग्रेस पर ये सवाल उठा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं करा देती, क्योंकि बिहार में हो चुका है, अब झारखंड में होने जा रहा है। हम कराएंगे।